अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। तो स्वागत है आपका डीटीएच इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त कृष्णा एक बार फिर से हाजिर हो गया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। तो आज का वीडियो में आपको सॉलिड कंपनी का क्यूब एंड एल एन में अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इससे जुड़े सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा हाथों पे क्यूब एंड एल एन भी है सॉलिड कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है FS408B। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है इनपुट फ्रिक्वेंसी 10.7 से 12.75 गीगाहर्ट्ज, आउटपुट फ्रिक्वेंसी 950 से 2150 मेगाहर्ट्ज, लो फ्रिक्वेंसी 9.75 एंड 10.6 गीगाहर्ट्ज, कन्वर्सन गेन 55 dB, नॉइस फिगर 0.1 dB, आइसोलेशन 20 dB, फेस नॉइस -90 dB, /100 kHz। तो यही था इस LNB का स्पेसिफिकेशन। और ये जो LNB है 4K अल्ट्रा HD, फुल HD और वाटर प्रूफ है दोस्तों। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं किस प्रकार इसको देखते हैं। तो देखो LNB को मैं खोल के देखा रहा हूँ, LNB इस प्रकार देखते हैं दोस्तों। जब आप लोग खरीदोगे तो आपके पास इस प्रकार ही LNB आएगा। तो वाइट एंड ऑरेंज कलर का LNB है दोस्तों, बहुत ही अच्छा देखने लायक है दोस्तों और बहुत ही मजबूत LNB है दोस्तों। आप लोग देखिए ऊपरी हिस्सा में सॉलिड कंपनी का नाम के साथ इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखा है, और इसका जो नीचे का हिस्सा है लिखा है 4K। और इसका जो प्लास्टिक का जो बॉडी है बहुत ही मजबूत बॉडी है दोस्तों, वाटर प्रूफ है, सालों के साल धूप या बारिश पे भी ये कुछ नहीं होगा दोस्तों, बहुत साल तक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इसका जो सिग्नल रिसीव करने का जो क्षमता है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस LNB को अगर दूसरा कोई LNB के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस LNB को यूज़ करके आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि इस LNB में दूसरे LNB से ज़्यादा सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही सस्ता है दोस्तों। अगर आपको लेना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके। तो ये LNB आप लोग कोई भी DTH यानी कि DISH TV, टाटा स्काई, एयरटेल, सन डायरेक्ट, वीडियोकॉन, कोई भी DTH भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। सिर्फ वो नहीं, दूर का जो सैटेलाइट होता है वो भी अच्छे से सिग्नल रिसीव कर लेते हैं। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।